गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है, करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठे हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देव अधिदेव महादेव